और यहाँ पे अगर कोई जैसे कि बाहर से इंडिया से आता है तो क्या वो शादी कर सकते हैं? और आंटी जी, जैसे कि आपने बोला था कि आपकी जो वो है, आपकी लड़की ना वो मुस्लिम से शादी कर दी है ना, तो आप राजी हो? और ये पूरा टी का बागान है भाई, यहाँ पे बहुत लड़के लड़कियां भी आती हैं, ड्रग्स लेने के लिए भी आते हैं, मर्डर वर्डर भी हो सकता है। तो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान और मैं हूँ अभी पर नेपाल में। तो गाइस, नेपाल में आप लोगों का स्वागत है एपिसोड 3 से। तो फिलहाल मैं सोया कहाँ पे, तुम सबसे पहले तुम आप लोगों को ये बता दूँ। तो ये यहाँ पे मैंने अपना टेंट लगाया हुआ था और ये टेंट भाई साहब मैं लगाया हुआ यहाँ पे, ये तखत है, तखत आप लोगों को पता होगा ना, चार पाई बड़ी वाली होती है ना, उस पर लगाया हुआ था। वहाँ पर मुझे परमिशन मिला था लेकिन फिर मैं वहाँ पर नहीं लगाया, यहाँ पर लगा लिया। यहाँ पर भी बोले लगा लो, अंदर भी बोल रहे थे लेकिन गर्मी ज़्यादा थी यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पर लगा लिया। तो अभी पहले टेंट उठाते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। आज तो कुछ प्लान समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो भाई साहब, मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए आ गया। चाय यहाँ पे देखो क्या चाय बनाया है, ये मात्र सिर्फ 10 रुपए की चाय है, इतना ज्यादा भर के दे दिया। ये एक रेस्टोरेंट है और वहाँ पे ये पुल के बगल में मेरा टेंट लगाया हुआ था, वो घर पे आगे चल के, और मैं यहाँ पे आ गया चाय पीने के लिए। और भाई साहब, मैंने सुबह नाश्ता में ऑर्डर किया, चाय खत्म होने के बाद अभी जस्ट मैंने नाश्ते के लिए मंगाया था। तो आंटी जी, इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं? काली खोला है इसका नाम। ये तो समझ लो आप चाउमीन या मैगी समझ लो, हमारे इंडिया में बोलते हैं इसको। और ये है नेपाली रुपये में 50 रुपये का। तो भाई देख लो, अब इसको खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, जो आज हमारा प्रोग्राम है। भाई बहुत तगड़ा लग रहा है देखने में। इतना ज़्यादा स्पाइसी कर दिया आंटी जी ने इसको भाई साहब, कि जबान पर रखने के लिए डर लग रहा है। पानी से काम चला रहा हूँ अभी, देखो पूरा का पूरा बचा हुआ, खा ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ भाई, पानी पी के आधा आधा कर दिया बोतल को। मैंने गलती कर दिया कि बोला नहीं कि स्पाइसी मत करना, सिर्फ मैंने बोल दिया बना दो नाश्ता, तो बना दिया, मुझे बोलना चाहिए कि स्पाइसी नहीं चाहिए भाई। तो हे गाइस, अभी मैं यहाँ पे रिचार्ज कराने के लिए आया हूँ और यहाँ पे एक डाटा तो बहुत महंगा है। ओ भाई, यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिम चलती है ना, एनसेल और कौन सा? एनटीसीएल। तो लेकिन ये बहुत महंगा है, अगर आप 100 रुपये का एक हफ्ते के लिए डेली 1 GB, जितने 150, और 3 GB का 300, और 3 GB डेली एक हफ्ते के लिए, तो वैसे महंगा नहीं है, महंगा है ना? हाँ महंगा है, इधर भी ना डाटा बहुत महंगा है, डाटा महंगा है ना। तो ठीक है भाई, मैं 300 वाला करा लेता हूँ, 3 GB का डेली एक हफ्ते के लिए। फाइनली अभी मैं गया था मार्केट यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने रिचार्ज कराया है जो 1 200 का है, और 200 में पहले तो मैंने पता किया, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि 100 150 का 1 GB, 300 का 3 GB डेली 7 दिन के लिए। तो मैंने दूसरा प्लान पता किया, तो वहाँ पे है आपको एक हफ्ते में, एक हफ्ते के लिए प्लान है जो कि 200 रुपये नेपाली करेंसी में। आप जितना भी यूज कर सकते हो, यूट्यूब और फेसबुक कितना भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं कटेगा, नॉन स्टॉप आप यूज़ करो तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो वो वाला प्लान अच्छा लगा मुझे, तो मैंने करा लिया। तो यूट्यूब अपलोड भी करना था मुझे, तो हम तो होटल लेते नहीं हैं, अगर होटल लेते तो वहाँ पे हमको वाईफाई मिल जाता, तो दिक्कत ही नहीं थी कोई चीज़ की, इसलिए फिर मैं ये रिचार्ज कराया हूँ। तो अच्छा है, नॉन स्टॉप यूज करो, 4 GB आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, कि आप 4 GB से व्हाट्सअप चला सकते हो, टिकटॉक चला सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। तो फिलहाल मैंने करा लिया है 2 GB का 200 रुपये नेपाली करेंसी में, अनलिमिटेड एक हफ्ते के लिए, नॉन स्टॉप यूट्यूब और फेसबुक कितना भी चलाओ। यहाँ पे शादी किससे होता है, जैसे कि लव मैरिज ज्यादा होता है कि अरेंज मैरिज नेपाल में? लव मैरिज ज्यादा चलते है ना, गरीब दुखी है तो लव ज्यादा करता है। अच्छा, जो गरीब यहाँ पे लोग, मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लव मैरिज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत करता है लेकिन ज्यादा तो मैरिज ही करता है, अरेंज मैरिज। यहाँ पर दहेज नहीं देता है, यहाँ पे भी दहेज वाला सिस्टम नहीं है? नहीं ना, दहेज का नहीं, लड़की दहेज नहीं देगा लड़का को? नहीं, नहीं, लड़का वाला, लड़का वाला भी नहीं, कोई दिक्कत, दहेज वाला सिस्टम नहीं है? नहीं है, अच्छा। यहाँ पे जैसे कि अगर कोई दूसरी जात का, दूसरी जात से शादी कर सकता है? लड़का लड़की मर्जी है तो क्या करेगा, यही है ना,
लड़की का वो होना चाहिए। नहीं, इंडिया में होता है कि आप जिस हिंदू होने से भी हिंदू में शादी करना नहीं, उसी जात में हो, जैसे आप पंडित हो तो पंडित में शादी करना है, ऐसा होना है ना। मुस्लिम में खान हो तो खान से शादी करना है, ऐसा यहाँ पे है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। और यहाँ पे अगर कोई जैसे कि बाहर से इंडिया से आता है तो क्या वो शादी कर सकते हैं? अब आपको पसंद कर लिया लड़की पसंद कर लिया तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ के मतलब दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रह भी सकते हैं? रह भी नहीं सकता है, बहुत बाहर से बहुत आके बैठा हुआ है। अच्छा, तो भाई यहाँ पे मतलब अगर आप जैसे कि इंडिया से हो या कहीं से भी हो, तो अगर आप यहाँ पे आते हो और अगर आप यहाँ पे किसी को पसंद कर लेते हो या तो आपको कोई पसंद कर लेता है, तो अगर आप शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई वो नहीं ना। लेकिन आपको सब मतलब फैमिली बुलाता है? हाँ, मतलब वो तो आपके माँ बोला उन पर, आप शादी करके उधर में लेके गया, फिर आने की जरूरत बैठ नहीं सकता है, उधर का लड़की इधर लेके आएगा तो फिर उधर भी जा नहीं सकता है, ऐसा ही है। उधर भी कर सकता है इंडिया में भी, ठीक है, लेकिन जितना अमीर अमीर लोग है ना, उन लोग हम लोग को नहीं देता है ऐसा। अगर गरीब दुखी है तो चलो कर लो, ऐसे होता है, मन मिलता है ना। अगर मेरा पास बहुत दौलत है ना, मैं बुढ़ा भी हूँ ना, तब भी लोग शादी कर देते हैं, तभी भी कर लेते हैं। और आंटी जी, जैसे कि आपने बोला था कि आपकी जो वो है आपकी लड़की ना, वो मुस्लिम से शादी करती है ना, तो आप राजी हो? राजी नहीं हो। राजी नहीं हो? राजी नहीं हो। राजी नहीं हो मतलब राजी हो? राम रे हो, राजी है, राजी हो। अब वहाँ से छुटा के लेके आएगा तो यहाँ पर बदनाम हो जाएगा ना। लेकिन तो वो लड़का कहाँ का है? नेपाल के है। नेपाल के है ना, मतलब तो नेपाल के हो। बचपन देखी नहीं आई जन्म में, बचपन लेकिन उसके बिजनेस बड़ा है। बिजनेस बड़ा है, कारोबार अच्छा चल रहा है उनका, इसलिए आप राजी हो, दिक्कत नहीं है। जैसे आंटी जी के लड़की ने शादी किया मुस्लिम से ना, तो उन्होंने धर्म चेंज किया है, धर्म उन्होंने मुस्लिम हो गए वो, कि हिंदू भी है। आपने शादी किया हिंदू के शादी किया ना, वो मुस्लिम ही होगा। तो आंटी जी के लड़की ने मुस्लिम से शादी कर लिया तो मुस्लिम हो गया, अभी अब हिंदू धर्म को छोड़ दिया। अच्छा, लड़की लोग ना, लड़की लोग को जात नहीं होता है, लड़की लोग जैसे आप कौन सा अपराधी है, जैसे मुसलमान है ना, अब मैं नेपाली हूँ या ठीक है ना, मैं शादी के लिए आपको, आपका अपराधी हो गया। आपके घर में आते जाते रहते हैं मिलन में, दिक्कत नहीं ना? यहाँ पर है तो एक मराठी है, वो भी है वहाँ का। मतलब यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कि आओ, जैसे अपने यूपी साइड में ज्यादातर जो हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, तो वहाँ पे ये सिस्टम होता है कि हिंदू हिंदू से भी शादी करेगा, मुस्लिम मुस्लिम से भी शादी करेगा, तो वहाँ में भी एक जात होता है, खान खान से शादी करेगा और पंडित पंडित से शादी करेगा। वो तो है कि कोई किसी से शादी कर सकता है कोर्ट के जरिए, लेकिन घर वाले तो राजी नहीं होते, लेकिन यहाँ पे तो घर वाले राजी हो जाते हैं ना, ये फर्क सिर्फ इतना बता रहा हूँ मैं। गधे पे दिल लगा था वो परी आने से क्या होगा, लेकिन आदमी आदमी है, वो भी चावल खाता है, हम भी चावल खाता हूँ, उसके काटने से कोई अंग बहता है, लाल खून आ जाता है, लाल खून आ जाता है, लेकिन पैसा तो इंसान को ऊपर नीचे कर देते हैं ना। गैस, और अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे भैया के साथ आए हैं, ये अपने भैया जी हैं जो हमको कल घुमा रहे थे, तो आज भी हमको घुमाने के लिए आए, लेकर आए हैं। और ये देख लो सब पूरा टी बागान है, और इसकी कटाई कैसे होती है ये चीज़ मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। कल संडे, आज सैटरडे है, तो सैटरडे को क्लोज होता है, सैटरडे को कटाई नहीं होती। तो जंगल तो मैं आप लोगों को यहाँ का घुमाने के लिए लेके आया हूँ। ये देखो जैसे राज फिल्म की शूटिंग नहीं होती। इस पेड़ को क्या बोलते हैं, ये पेड़ का क्या बोलते हैं, शाको शखुआ। ये मतलब इतने कितने साल तक ये खड़ा रहता है, 100-100 साल ना, कीड़े मकोड़े नहीं लगता है इसमें भाई साहब। ये एक ऐसा पेड़ है कि ना कभी इसमें दीमक लगेगा ना कभी कीड़ा। हाँ यार, ये देखो इतने फ्रेश पेड़ आप लोगों ने शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। और देखो एक भी कीड़ा यहाँ पे नहीं चल रहा है ना इस पेड़ में, कुछ भी नहीं। देखो भाई, ये पहला ऐसा पेड़ मैंने देखा कि एक भी कीड़े नहीं चल रहे हैं। ये काई भले से थोड़ा बहुत जम जाएगी, लेकिन इसका ये थोड़ा ये अंदर का जो दूसरा आता है ना, हाँ, वो धूप बन जाता है इसका। धूप? हाँ, धूप मतलब वो पूजा करने के टाइम में ना, हाँ, चला था, साल धूप बोलता है ना, हाँ, इसके साथ इसके होता है। नीचे गिरा भी कीड़ा मकोड़ा है, जैसे के जैसे रहेगा। सिर्फ इसको अगर काट के जला दोगे तो जल जाएगा, लेकिन नहीं नहीं कुछ नहीं, जल जाएगा तो जल जाएगा, नहीं तो ये बेकार नहीं होगा पेड़। इसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे भाई, एक दीमक के जर्रा बराबर भी दिमाग वगैरह नहीं दिख रही ना, कोई चींटी वगैरह इसको टच करते हैं पेड़ को। ऐसा पेड़ देख लो, इसमें हजारों के तादाद में पूरा जंगल ही जंगल है। पत्ते होता है ना, ये बीड़ी बना के पीता है।
अच्छा इसके पत्ते बीड़ी बनाने के काम आते हैं ना, तो भाई समझ सकते हो कि बीड़ी का पेड़ है ना। तो गैस आप लोगों को ब्लॉग किस तरीके से लग रहा है आप हमें कमेंट्स में बताओ। ये मैं नेपाल की कुछ जानकारियां दे रहा हूँ आप लोगों को, शायद ये पेड़ इंडिया में होंगे बहुत होंगे पता नहीं, लेकिन मैं नेपाल में आके देख रहा हूँ। असम में असम में भाई। तो टेंगो चारोली फिल्म देखा है? टेंगो चारोली नहीं, नहीं कौन सी भाषा में? ओ हिंदी में। अच्छा। टेंगो चारोली वो उसका फिल्म है। तो लेकिन यहाँ पे ठंडा है भाई, इस जगह पे माहौल बहुत ठंडा है, लेकिन अभी वहाँ पे अगर आप जाओगे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। और ये पूरा टी का बागान है भाई, यहाँ पे बहुत लड़के लड़कियाँ भी आती हैं, ड्रग्स लेने के लिए भी आते हैं, मर्डर वर्डर भी हो सकता है। पुलिस घूमता है, वो पुलिस सीबीआई पुलिस इस तरीके से घूमता है, कपड़े वो पुलिस वाले नहीं पहनेंगे और नॉर्मल कपड़े पहन के आएंगे, ताकि कोई लड़का किसी लड़की का मतलब गलत इस्तेमाल ना करे, और या तो कोई ड्रग्स व्रग्स लेते हुए यहाँ पकड़ा ना जाए ना, इसके वजह से वो लोग सीबीआई वाले ना यहाँ पे जंगल में अलग कपड़े चेंज करके घूमते हैं हमारे जैसे, ताकि लोगों को मालूम ना चले कोई अगर होगा ड्रग्स लेने वाला या मर्डर कोई किसी को मार रहा है या काट पीट रहा है ना, तो ये इंसान समझ सकता है कि भाई अरे कोई इंसान नहीं, लेकिन वो तो पुलिस वाला है। ये जंगल का नज़ारा तो इसी भी इतना धासु लग रहा है, और अभी ये जब रात हो जाएगा तो यहाँ पर तो रात में बहुत डर लगता होगा ना भाई, जैसे लगता है रात मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। तो भाई साहब ये है, ये पूरा आप जो देख रहे हो यह है फैक्ट्री, जो टी है, जो टी का ये पत्ता है, ये यहाँ पे जाके चाय का पत्ती बनता है ना, और जो यानी कि जो ब्लैक कलर का हो जाता है ना, दाने दाने बनाते हैं, तो फैक्ट्री है। लेकिन अंदर अभी मैं गया था यार, लेकिन वहाँ पे इन्होंने बोला अलाउ नहीं है, जो काम करते हैं सिर्फ उनके लिए अलाउ है और बाकी लोगों के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट्री है, कंपनी है, तो कंपनी में सबको अलाउ नहीं होता, इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ यार भाई। लेकिन आप लोगों को बाहर बाहर से दिखा दे रहा हूँ, पूरा चाय का बागान भाई इतने किलोमीटर में फैला है ना, जिसका सैकड़ों किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। और यहाँ से अभी एक दो किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं, आप आगे जाओगे दो किलोमीटर तो मिल जाएगा अपना हाईवे, तो हाईवे से आप एक किलोमीटर आगे जाओगे तो नेपाल का बॉर्डर मिल जाएगा, इंडिया नेपाल, तो वहाँ से इंडिया में इंटर हो जाओ। और इधर से आप सैकड़ों किलोमीटर दूर जाओगे ना तो सिर्फ आपका चाय का बागान ही दिखेगा, और ये पूरा फैक्ट्री है, तो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए तो दिखा दे रहा हूँ। और भी आगे चल रहे हैं हम लोग घूमने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। ये है पानी, है ये टिब्बुल का जैसा ज़मीन से पानी निकालता है ना, ये आपका हो गया यहाँ पर खड्डा किया हुआ है, तो हाँ ये जहाँ पानी निकाल के फैक्ट्री तक पहुँचा है अभी, ये पानी कहाँ से आ रहा है? नदी का, नदी का पानी है। अच्छा, मुझे लगा बोरिंग है, बोरिंग नहीं है ना, नदी ऊपर आगे चले तो बड़ी नदी है, सब ऐसी नदी है जो भाई, तो पानी आता रहता हमेशा। हाँ तो भाई यहाँ पे, और जैसे ये चीज़ ये जो पेड़ है चाय का पत्ती ना, इस चीज़ में पानी कैसे डालते पहुँच जाते हैं? यही मशीन है, यही मशीन है, यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा पाइप लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे पूरे बागान को सिंचाई करते हैं? हाँ। कितना दिन लगता है सिंचाई करने में? करने के लिए 6 महीने लगता है, एक बार खींचने से 6 महीने चलेगा, और 6 महीने में एक बार सींचते हो? तो भाई 6 मंथ में एक बार सींचे जाते हैं, और 6 मंथ लगातार सींचते रहते हो ना इतने बागान में, एक ही जगह से होता है कि और भी जगह? जब बादल ऊपर से पानी जब बरसता है ना, हाँ, फिर बंद कर देते हैं। अच्छा, जब पानी नहीं बारिश नहीं है फिर शुरू कर देते हैं। तो एक ही मशीन है कि और भी ऐसी मशीन है? यहाँ पर मशीन दो मशीन है, नहीं ऐसी जगह पे और भी दूर दूर पे किसी नहीं है, एक ही है, एक ही मशीन है। ये कितने किलोमीटर के रेंज में होगा? एक ही मशीन से सब पाइप लगा हुआ है, अभी पूरे में हर जगह फैलता है। ये कितने किलोमीटर के रेंज में बागान है? वो तो हमको मालूम नहीं है, अभी नया नया है तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मालूम नहीं है बड़ा है। 6 महीने में एक बार सींचा जाता है, 6-6 महीने लगातार सींचा जाता है। और ये सब जो नदी देख रहे हो, ये पानी, ये पूरा पानी फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है ये मशीन के द्वारा, ये पाइप लगे हुए हैं। तो भाई साहब ये जो आप हरी हरी हरियाली देख रहे हो ना, तो ये सब जो पानी है यहीं से सब सिंचाई होती है, लेकिन जब बारिश हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अगर बारिश नहीं होता है तो यही पानी से, तो यही वाले पानी को सप्लाई करके इसको सींचा जाता है। 6 महीने लगते हैं इसको पूरे बागान को सींचने में, और 6 महीने में सिर्फ एक ही बार सींचा जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी जानकारी थी, देख लो भाई यहाँ पे कोई ऐसा नाला जैसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे, है ना, जैसे फव्वारा के जैसे सींचते होंगे इसको। बागान तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, मूवी की शूटिंग भी, नेपाली मूवी की शूटिंग यहाँ पे बहुत होती है ना।